वेलकम बैक टू द चैनल गाइड। इसमें विकास बैक एट अगेन विद न्यू वीडियो भाई बे। सो गाइस, आज हम आपको सिमलेटिक कलर ग्रेडिंग सिखाने वाले हैं, वो भी काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले आपको 16.9 वाला आपको रेशियो ले लेना है, देन उसके बाद अपने वीडियो को ऐड कर देना है। ये रहा मेरा वीडियो जो कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसमें अभी कोई कलर ग्रेडिंग और कोई मूवी फ्रेम मैंने अभी ऐड नहीं किया है। जो वीडियो पहले से वही वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद सबसे पहला काम करना है, आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर मीडिया वाले ऑप्शन जाना और एक ब्लैक फोटो ऐड कर लेने। ब्लैक फोटो ऐड करने के बाद आपको फोटो को सीधे कॉर्नर में सबसे पहले लेके आना है। देन उसके बाद उसको बड़ा करना है और कुछ ऐसे लगा देना है जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है मूवी फ्रेम के लिए। अब आपको क्या करना है, इस पर फोटो पर क्लिक करके आपको ऊपर 3 डॉट पर जाकर डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस डुप्लीकेट लेयर को भी जैसे हमने नीचे लगाया है वैसे ही सिंपली आपको ऊपर भी इसको लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वैसे ही आप भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा फुल वीडियो के लेंथ जितना कर देना है। जितना भी आपके वीडियो का लेंथ होगा मैंने यहाँ पे कर दिया है, जितना मेरे वीडियो का लेंथ था। अब आपको क्री फ्रेम वाला ऑप्शन पता है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, क्री फ्रेम इसको कहते हैं। देन उसके बाद आपको फोटो को ऐड कर लेना है यहाँ से और क्री फ्रेम में जाना है। क्री फ्रेम यहाँ पर आपको लगा देना और जैसे जैसे मैं यहाँ पर नीचे ला रहा हूँ ऊपर से वैसे आपको भी लाना है। ऊपर वाले फ़ोटो में जाएंगे और सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, ये की फ्रेम यहाँ पर भी लगाएंगे और नीचे से आपको ऊपर ले जाना है। उसके बाद आप उसको क्या करना है, ये वीडियो मैंने प्ले कर दिया और आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, मूवी फ्रेम बनता हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो काफ़ी अच्छा लगने लगा है अभी से। अब हम लोग को कलर डालना है इसमें जो हम लोग का वीडियो है। सो गाइस, हम लोग क्या करना है, सब उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो पे आपको टाइप करना है और फिल्टर वाला ऑप्शन आप जानते होंगे उसमें आपको चले जाना है। वीडियो में जाने के बाद आपको लो शॉर्ट सेचुरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना है और स्क्रॉल करके L09 वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे 1 मिनट में आपका एक टैब में कलर ग्रेडिंग हो चुका है। आपको अपनी ऑपेसिटी अपने वीडियो के हिसाब से रख लेनी है। और ये गाइस वीडियो आप प्ले कर मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को लाइक कर दिया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए। वीडियो आप प्ले करके यहाँ से देख सकते हो।